हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। हेलो माय ऑल लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भगवान जी साथ करो, सब मस्त होंगे, स्वस्थ हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे, बढ़िया। और गाइस, आपका रविंद्र जोशी आज भाई अपना गया है जंगल में शूट करने। और अभी मॉर्निंग टाइम 2 सितंबर का दिन, 7:31 हो चुका है। 5 बजे आया हूँ वहाँ से, जंगल से 4 या 5 बजे में आया हुआ हूँ। रात भर हम वहाँ पर रहे थे तो फ़ोन ऑन से वीडियो बना नहीं पाया, बहुत रिस्की था। तो गाइस हल्का सा एक कैंपिंग टाइप का बना के वहाँ पे, किसी का घर था, वो कैंपिंग भी हमको बनाना ही नहीं पड़ा, किसी के घर था तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा। गाइस बहुत रिस्की था, डेंजरस, और हमने बाकी ब्लॉग में आपको बता रखा है। हेलो दोस्तों, तो आपका भाई आया हुआ है अभी इस समय यार मॉर्निंग टाइम में जंगल। तो गाइस जंगल में जो मज़े ले रहे हैं, 7:32 हुआ है टाइम और अपना चल रहा है भाई। अभी लकड़ी काट रहे हैं, खाना वाना बनाने की लकड़ी वकड़ी बना रहा हूँ, बढ़िया सूखी लकड़ी तोड़ रहा हूँ। चिड़ की लकड़ी है, सूखी है पूरी, कटी हुई, पेड़ कटा हुआ है पहले से। सूर्य भगवान की जय हो। तो गाइस देखो, ये पेड़ से, हाँ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ से बिल्कुल रोशनी आ रही है। देखो सूर्य भगवान के दर्शन आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में 2 सितंबर का दिन। सभी पर बाबा जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब खुशहाली जिंदगी जिए, हर हर महादेव। शुक्रवार का दिन। हेलो दोस्तों, आज है शुक्रवार का दिन, अपना भाई तोड़ रहा लकड़ी, कुछ लकड़ी हमने इकट्ठी कर दी है, जंगल में आए हुए हैं अपने खाना वाना बनाने के लिए, लकड़ी इकट्ठी हो गई है हमारी इकट्ठी, और इतनी लकड़ी कर दी है भाई ने। अब थोड़ी मेहनत मैं भी करता हूँ गाइस, भाई के साथ और हेल्प करते हैं और ये निकालते हैं लकड़ी। आगे दूर नज़दीक आओ। हेलो गाइस, तो मैं आया हूँ अभी जंगल में, बढ़िया सीन हो रहा है जंगल में, लकड़ी तोड़ने आया हूँ खाना बनाने के लिए, मस्त। तो गाइस लकड़ी तोड़ने, सूखी है, सूखी लकड़ी है एकदम। और कड़ी मेहनत हो रही है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो जंगल के क्या नजारे हो रहे हैं इस समय, मॉर्निंग व्यू यार, कितना प्यारा हरा भरा शुद्ध वातावरण बिल्कुल। और आपका भाई बैठा है, आज लकड़हारा बना हुआ है आपका भाई, गुलाड़ी लेके बढ़िया सुबह मॉर्निंग व्यू में भी लकड़ी। तो भाई वही हम लोग उनके कोई डेरे थे अपने भाई नेपाल के भी, वहाँ पे 2-4 भाई लोग थे, तो हम इनके साथ रात को हमने रूम पर वहीं रहना पड़ा हमें। फिर सुबह 5 बजे आए तो भाई ना भालू देखने तो गए थे, मगर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हम वहाँ पर टिक नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादा डरा भी दिया ना बंधु ने, कि बता दिया हकीकत वहाँ पर, कि बहुत ख़तरनाक हकीकत बता दी, बोले यार बहुत डेंजरस है, ऐसा मत करो अभी। तो भाई फिलहाल हम पक्का वीडियो में, ब्लॉग में पक्का शूट, जल्दी से चलता हूँ रूम को लकड़ी उठाता हूँ, अब थक भी गए हैं, और रूम पर चलकर नाश्ता वास्ता करते हैं भाई, ड्यूटी भी देखनी है, खाली बैठूंगा तो गाइस पैसा तो आएगा नहीं, और फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा, बिना पैसे के तो कुछ है भी नहीं गाइस, थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए लिमिट का। तो फाइनली चलते हैं रूम को, करते हैं ड्यूटी ज्वाइन फिर से, तो बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली शर्मा जी की रसोई में मेहनत करके इतनी लकड़ी आ गई है, फिर आज शाम को या कल जाएंगे लकड़ी बनाने, अभी तो फिलहाल बहुत हो गई है। तो भाई अपने सौरभ भाई बना रहे रोटी, सचिन भाई बेल रहे रोटी, देखो प्यार से अपना चल रहा है भाई, दीपक जोशी जी कर रहे हैं नाश्ता, भाई लंबी बैठते हैं, 2-3 रोटी 2 नाश्ता तो करते हैं, 2-3 रोटी 4 रोटी का, फिर चलते हैं यार बगीचे में, छुट्टी करके भी कोई फायदा नहीं है, तो कल का ब्लॉग भी अपलोड करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो भाई यार फोन भी साथ दे रहा है, तो फिलहाल देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई बगीचे में चल के करते हैं शूट, और मैं अपलोड भी करना है कल का वीडियो आप लोगों के बीच जल्दी से। तो शर्मा जी की रसोई में देखो, अपने सौरभ भाई, सचिन भाई, पराठा और पुदीने की चटनी सिलबट्टे में बना रखी गई, सिलबट्टे में पुदीने की चटनी, और इसे प्याज डालने का, टमाटर डालने का, हरी मिर्ची, अदरक, क्या मस्त चटनी बना रखी है दीपक जोशी जी ने, मस्त यार लजीज, और ब्लैक टी, लौंग इलायची की ब्लैक टी, जरा ब्लैक टी भी दे दो मेरे को यार एक ग्लास में। तो फाइनली पराठे मारते हैं, 2 यार नाश्ते हैं पराठे, और बढ़िया चटनी बना रखी है, स्पाइसी मस्त खाते हैं गाइस। सबसे पहले आप लोगों के लिए आइए, अग्नि को हमने चढ़ा दिया है पहले ही, दाल ले ले दाल, काफी लजीज लजीज, और ब्लैक टी, लौंग इलायची की ब्लैक टी, जरा ब्लैक टी भी दे दो मेरे को यार एक ग्लास में। तो फाइनली
पराठे मारते हैं दो यार, नाचते हैं पराठे, और बढ़िया चटनी बना रखी है स्पाइसी, मस्त खाते हैं गाइस। सबसे पहले आप लोगों के लिए आइए, अग्नि को हमने चढ़ा दिया है पहले ही, दाल ले ले दाल, काफी लजीज लग रहा है गाइस, देखो पानी आ जाएगा मुंह पे, मेरे तो पानी आ गया भाई, क्यों बड़ा लजीज बनाएगा। चाय के साथ लेते हैं पराठा और चटनी, फिर चलते हैं गाइस अपनी ड्यूटी पे, और कल का ब्लॉग भी जल्दी से अपलोड करता हूँ, पूरा दिमाग लगाता हूँ, और जल्दी से आज के ब्लॉग बना देते हैं फनी। तो दोस्तों गुड आफ्टरनून, और आपका भाई आ चुका है गाइस फाइनली बगीचे से, 1:12 हो गया बगीचे में, मैंने आज कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, सुबह से शूट किया था, तो सुबह हम लकड़ी वकड़ी अपने जंगल में गए थे घूमने मॉर्निंग वॉक पे। तो गाइस अभी मैं शर्मा जी की रसोई में आ गया हूँ, अपना आज बनी है बिरयानी, अपने सौरभ भाई बना रहे बिरयानी बढ़िया पतीले में, और सचिन भाई भी आ गए हैं, अपने भाई जी भी आ गए हैं, चम्मच से खाना खाएंगे, चम्मच आ गई, चम्मच से खाना खाएंगे भाई, बिना चम्मच के 48 घंटे से खाना नहीं खाया भाई ने, चम्मच दिखाओ अपनी एक बारी, अरे क्या बात है भाई की चम्मच, स्पून बॉय। तो गाइस बिना चम्मच के भाई खाना नहीं खा पाएगा, रियली है ये। तो गाइस ना अभी मैं आया हूँ अपने शर्मा जी रसोई पे, और अभी शूट चल रहा है भाई, बढ़िया बिरयानी भाई हुई, क्या क्या डाल रखा बिरयानी में, बिरयानी वेज बिरयानी, सोया बड़ी, आलू प्याज, क्या बात है, और पुदीने की चटनी पीस रखी है पूरी थाली भर के, ओए होए पुदीने की चटनी पीस के रखी है, क्या मज़ा आ जाएगा खाने में। और आज लस्सी फाइनली मिली नहीं है गाइस, एक दुख की बड़ी बात है, माता जी की तबीयत बड़ी डाउन हो रही है, 2-3 दिन से माता जी की बहुत तबीयत ख़राब है, परसों से शायद, तो अब माता जी को हॉस्पिटल लेके गए हैं, अभी मैं शाम को शूट करूँगा, माता जी से हाल खबर पूछ के आऊँगा, रसोई में धुआं भी लग रहा है, तो माता जी से पूछ के आऊँगा यार हाल खबर, वहाँ पे पता करूँगा, बात करूँगा माता जी से, गप सप मार के आऊँगा शाम को, माता जी के स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, आप लोग को बताऊँगा। तो कह जब ना करते हैं लंच अपना शुरू, बिरयानी करते हैं शुरू भाई के साथ, चम्मच वाले भाई जब निवाला लेंगे तो मैं खिलाऊँगा आज इन्हें फिर से 2 चम्मच, फिर शूट करते हैं थोड़ी देर में। शर्मा जी की रसोई में आज बनी है बिरयानी, सोया बड़ी पड़ी है गाइस, लाल मिर्ची, मस्त बिरयानी, टेस्ट करते हैं जल्दी से, भाई को खिलाते हैं यार बिरयानी, ज्यादा गर्म हुआ तो बता देना ठीक है, नहीं चलो इतना टेस्ट कर लो, टेस्ट करा देता हूँ, तो भाई को भाई अपने प्यार से खिलाते हैं बिरयानी, लो 1 चम्मच और खा लो मेरे हाथ से, आज तुम यार बिरयानी मेरे हाथ से चम्मच से, हाँ गाइस कितना प्यार, बहुत अच्छा लग रहा है भाई से मिलके, खाओ आप अपने प्यार से हाथ से चम्मच से, बंद कर दिया हाथ से खाओगे तो गाइस चलो भाई खाने लग गया है, और अभी करते हैं गाइस लंच क्लोज करते हैं, और फिर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर करेंगे शूट। तो दोस्तों गुड इवनिंग, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस इन हिमाचल की वादियों में, और हम तीन भाई जा रहे हैं इसमें नाइट वॉक घूमने, टहल रहे हैं भाई मस्त, बिल्कुल दीपक जो सीजी जुड़े हुए हैं भाई, जुड़े हुए हैं चम्मच से खाना खाने वाले भाई, बिना चम्मच के नहीं खाएंगे भाई, अर्जुन भाई अभी बनी हूँ मैं हूँ और क्या बोलते हैं आप कौन हो, वही हूँ मैं जो हूँ अभी बनी हूँ हम दो है। तो गाइस जा रहे हैं यार, आज महाभारत ही रच देते हैं साले को। तो गाइस फाइनली देखो हमारी छुट्टी हो चुकी है, आज थोड़ा कम थके हुए हैं, और आज नहाया भी नहीं, आज पसीना भी कम हुआ, फाइनली मुँह हाथ धोके सरवर धोके एकदम रेडी, और इसमें शूट कर रहे हैं भाई, अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं चौसल घाटी वाली लोकेशन पे, जहाँ से हमने शूट किया था पहले मंगलवार के दिन, मैंने शूट किया था, पुराना हो गया वो ब्लॉग, अब वो तो मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया था आप लोगों के बीच। तो फाइनली ना गाइस क्या मज़े हो रहे हैं ठंडी ठंडी हवा के साथ, गजब हो रहा है भाई, कैसे लग रहा है आप लोगों को फीलिंग, गजब हो रहा है बिल्कुल, स्वर्ग जन्नत लग रही है गाइस। 2 सितंबर का दिन शुक्रवार, प्रोग्राम भी बन रहा है, हाँ आज तो सॉन्ग गाने का वो बनेगा शाम को, गाने वाने गाने का ठीक, और कोई प्रोग्राम है बाकी का प्रोग्राम आगे देख बताएंगे, हाँ तो गाइस जल्दी से जल्दी आज बेहतरीन कर देते हैं ब्लॉग को, और बिल्कुल धांसू बना देते हैं एकदम, जल्दी से चलते हैं इस लोकेशन पे, हम बहुत दूर जा रहे हैं इसमें, तो शूट करूँगा गाइस अभी थोड़ी देर में, अंधेरा होने वाला है अभी, तो 6:22 हो रहा है, 7 बजे बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो फाइनली जा रहे हैं फिर इस लोकेशन पे तीनों भाई, फिर करते हैं शूट। हेलो दोस्तों, जो इस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं ना, एक बार जन्नत दिखाई दे रही है देखो, तो इस पहाड़ी से बहुत दूर जाना है अभी हमने, कम से कम 13-14 किलोमीटर दूर जा रहे हैं भाई घूमने, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, वहाँ पर बैठेंगे गप्पे मारेंगे, हर सी पहाड़ियाँ तो बड़ी ख़तरनाक है भाई, ये कुछ भी ना, नीचे अपनी गंगा नदी बह रही है भाई,
हिमाचल की वादियाँ, प्यारी वादियाँ, सामने चावल की खेती, क्या व्यू है भाई। भाई बहुत दूर जाने का ही, चलते हैं फिर शूट करेंगे आप लोगों के बीच, जल्दी रोमांटिक कर देते हैं आज के व्लॉग। अपने भाई लोग जुड़े हुए हैं मस्त। जय हो हर हर महादेव। महादेव की नगरी है वो सामने, ये सामने वाली सौ। हेलो दोस्तों, तो अभी फाइनली यार शर्मा जी की रसोई पे बैठे हुए हैं और भोजन चल रहा है गाइस। काफ़ी प्यारा भोजन बना रखा है, टेस्टी दाल रोटी खा रहे हैं भाई। 8:48 हो गया है टाइम, ज़्यादा थके हुए कम हैं। फाइनली बहुत ले गए थे हम और अभी अभी जस्ट अभी पहुँचे हैं भाई रूम पे। 10 मिनट हो गए हैं 2 सितंबर का दिन, और अभी 2-3 मिनट जस्ट अभी पहले पहुँचे हैं हम यहाँ पे रूम पे। और गाइस सीधे हाथ वाथ धो के मुँह हाथ धो के खाने बैठ गए हैं बढ़िया शर्मा जी की रसोई में दाल रोटी। दाल तो मज़ा आ जाएगा पीने में, कैसी टेस्टी हो रही है। अपने अर्जुन भाई बैठे हुए हैं, चम्मच है आपके पास? हाँ चम्मच है गाइस, देखो कटे हुए चम्मच है अर्जुन भाई के, बिना चम्मच के नहीं चल पाएगा काम। अपने सौरभ भाई बेल रहे हैं भाई रोटी, अपने सचिन भाई बेल रहे हैं मस्त, सेक प्यारा हो रहा है सीन। और अपने दो भाई लोग फरार हैं अल्मोड़ा के, देना दोनों ना अल्मोड़ा के दो भाई लोग फरार हैं गाइस, भाग गए इधर से, काम से डरे या पैसे से डरे कुछ पता नहीं है। तो फाइनली बता के भी नहीं गए, बता के जाना चाहिए था, हमें बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई थी। फाइनली दीपक भाई के थोड़ा 10-12 हज़ार रुपये खर्चे भी हुए थे उन्हें आने जाने में लाने में, तो आज क्या कर सकते हैं, ले लेंगे पैसे तो मिल जाएंगे, तो वरना फिर छोड़ देने का काम है और क्या करने आए। बाकी हमने कोई लूटपाट तो करनी नहीं है, मारना किसी को है नहीं। तो भाई बढ़िया बन रही है यार रोटी शर्मा जी की रसोई में आज, तो भाई बिना लाइट के उजाला हो रहा है, आग इतनी तेज चली हुई है, तो यहाँ पर चूल्हे में रोटी सेकने वाले के गर्म हो जा रहे हैं भाई पिछवाड़े, पूरे घुटले भी लाल हो जा रहे हैं क्योंकि इतनी तेज आग जली हुई है। तो गाइस काफी खतरनाक आग जली हुई है शर्मा जी की रसोई में, चूल्हे में रोटी सेकने वाला बंदा गाइस पीछे हट जा रहा है आज। और काफी प्यारा, मैं सेकूं क्या? नहीं सेकूंगा, ठीक है। तो गाइस करते हैं यार खाना शुरू, फिर एक दो सॉन्ग वॉन्ग सुनाते हैं आप लोगों के बीच और फिर कर देते हैं गुड नाइट आज का दिन। शर्मा जी की रसोई में अपने सौरभ भाई रोटी सेकते हुए, काफी खतरनाक आग जली हुई है तेज, पीछे हटने पड़ रहा है, पाँव भी पीछे करने पड़ रहे हैं इतनी तेज आ गए। सचिन भाई बेल रहे हैं बढ़िया रोटी, सचिन भाई थक तो नहीं गए? चलो भाई खाते हैं फिर, हम हेल्प करते हैं फिर भाई लोगों को खिलाते हैं गर्म गर्म। दीपक जोशी जी बैठे हैं खा रहे हैं मस्त रोटी दाल रोटी, अपने अर्जुन भाई, अपने सुरेंद्र भाई। वैसे करते हैं शर्मा जी का भी वेट कर रहे हैं, शर्मा जी गए थे हमारे मार्केट, अशोक भाई और शर्मा जी, तो कब तक आते हैं देखते हैं गाइस। फिलहाल हम करते हैं भोजन और भाई लोगों को भी करवाते हैं, उनके लिए भी बनाएंगे, वो लोग भी आई जाएंगे, फ़ोन मारते हैं जब तक, फिर करते हैं गाइस सॉन्ग के साथ शूट। दोस्तों तो आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स, जय श्री राम।